मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है और तकलीफ काफ़ी लंबे टाइम से 2008 में पेट खेलते टाइम इंजरी हुई थी। अभी 3-1 साल से पैर नीचे इस लेग की तरफ नीचे की तरफ पेन जा रहा था और अभी कुछ 1 महीने से तो उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है, सिर्फ लेटे हुए मुझे आराम मिल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे। अभी आपका केस में ऑपरेशन होगा अभी आपका एंडोस्कोपिक? अभी मेरा एंडोस्कोपिक डिसेक्टॉमी करने वाले हैं। ठीक है, हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर जयदेव गहिजा, मैं यहाँ पे आज अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ड्यूरिंग द बॉल मुझे इंजरी हुई और इंजरी के इमीडिएट बाद मुझसे चला नहीं जा रहा था। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट होने लगा, पर सॉर्ट ऑफ सम एक्सरसाइज वो धीरे धीरे डाउन हुआ। लेकिन कभी कभी छींकने, खांसने या फिर छोटी सी कोई चीज़ हो जाती या झुक जाता मैं, तो वो बैक पेन स्टार्ट हो जाता। मतलब मैं कंटिन्यूसली उससे सफ़र ही कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूस एक्सरसाइज करना, पेन किलर लेना, सम हाउ मैंने उसको बैलेंस किया हुआ था। ड्यूरिंग एक्सेसिव स्टडी ये सब प्रेशर तो था ही मुझ पर। आज से करीबन 3 साल पहले पेन बहुत एक्सेसिव होने लगा और लेफ्ट लेग की तरफ चला गया। अब कंडीशन ये थी कि मैं ढंग से बैठ भी नहीं पा रहा था और लेफ्ट लेग मूव भी नहीं हो रहा था। अब समझ में नहीं आया क्या करूं, पेन किलर कंटिन्यू लिया, एक्सरसाइज किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। देन मैंने ओजोन न्यूक्लियोलाइसिस के बारे में सुना, मैंने ओजोन थेरेपी भी कराया। कुछ महीने, 2-3 महीने का मुझे रिलीफ लगा, लेकिन थोड़ा बहुत पेन मेरा कंटिन्यूसली रहा। फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि मसल वीकनेस बढ़ रही थी और मुझे इमीडिएटली ये बताया कि अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो इट विल बी गोज टूवर्ड्स पैरालिसिस और जो है यूरिन बाउल इनकंटिनेंस हो जाएगा, यहाँ कि आप नहीं चल पाएंगे और आगे टॉयलेट पेशाब की भी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन मैं मतलब आई वाज वेरी सेटल डाउन कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देन मैं डॉक्टर संजय शर्मा JPRC उनको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था और उनके जो बाकी के ट्रीटमेंट्स पुराने मैंने वो भी सब देखे, तो मुझे उन सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आया। मैं सर से मिला पर्टिकुलरली और सर ने मुझे बोला कि यू विल गो थ्रूआर्ड्स एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, और उसके बाद तुम्हारा पेन अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड यू विल बी फाइन। एंड मैं, हालांकि मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं सर्जरी से गुजरूं, लेकिन मैंने सबको हिम्मत दिया, कोशिश की कि सब जो है मेरे साथ रहें इस ड्यूरिंग प्रोसीजर में, और सर ने सबसे ज़्यादा हिम्मत का जो है मेरी हिम्मत एकदम बढ़ाई और मैं सर्जरी के प्रोसीजर से गुजरा। सर्जरी का प्रोसीजर बहुत बहुत लूज, मतलब बहुत छोटे से पेनफुल था, बहुत ज़्यादा उसमें पेन नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से सर्जरी का प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद सर्जरी के प्रोसीजर के बाद सर जब मुझे बाहर मिले तो उन्होंने यही बोला कि नाउ यू कैन गो, और सर्जरी के इमीडिएट बाद उन्होंने मुझे चलाया भी और उसके कुछ टेस्टिमोनियल्स भी हैं। और अभी मैं एकदम फाइन हूँ, खुद मेरे चाचा जी जो मेरे साथ में आए उनके साथ में यहाँ पे आया हूँ, और मैं अपनी इच्छा से ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लोग डरते हैं या जो लोग
जिनके मन में सर्जरी का भय है वो प्लीज़ इस तरह के फियर्स निकाल दें. बहुत मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है. डॉक्टर संजय शर्मा सर और डॉक्टर ललित भारद्वाज सर जो उनकी अपेक्स की टीम है बहुत ही अच्छी है, और मैं बिल्कुल एकदम खुश और एकदम अच्छा होने के बाद मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ. थैंक यू सर.